साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, आज आप देख ही रहे हैं, आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता लेकर आए हैं हम। ये हमने आलू मटर से बनाया है, इसके साथ तीखी चटनी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने मटर और आलू पहले से उबाल कर रख लिए हैं, अदरक और हरी मिर्ची काट कर रख ली है, हरा धनिया रख लिया है। मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर, इसमें तेल डाल देंगे। तेल का गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। मेरा तेल गर्म हो चुका है, आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। हींग डाल देंगे खुशबू के लिए। हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। हरी मिर्ची मैंने पहले से काट कर रख ली थी, अदरक भी रख ली थी, उसको भी डाल देंगे। अच्छे से हमारे मसाले भुंज जाएं, हमको भुंज लेना है इनको। इस अदरक का कच्चापन ना रहे, अच्छे से भुंज जाए ये। चला देंगे इसको। धनिया डाल देंगे आधा चम्मच, लाल मिर्ची डाल देंगे आधा चम्मच, नमक डाल देंगे आधा चम्मच। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू डाल देंगे, मेरे मसाले भुन चुके हैं, मैंने हाथ से ही तोड़कर आलू डाले हैं इसमें। सबको डाल देने हैं हमको आलू, ऐसे ही डाल देंगे तोड़ तोड़ कर। सबको मिक्स कर लेना है मसालों में, हमको मिक्स कर लेना है ये। किचन किंग डाल देंगे आधा चम्मच, इससे बहुत डबल स्वाद डबल हो जाता है। मटर डाल देंगे, हमको ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी मसाले हैं हमारे आलू मटर में मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। हमको ये सारे धुचल देने हैं, इससे क्या है कि दिक्कत ना होगी बाद में। अच्छे से भूंज लेना है ये, सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैंने गैस बंद कर दी है, इसको उतार लेंगे कटोरी से। अब इसको सबको दबा दबा कर हमको ये चूरा कर लेना है कटोरी से। धनिया डाल देंगे इसमें, मैंने पहले से काट कर रख लिया था। अब हमको ये बर्तन में निकाल लेना है, मिक्स कर लेंगे सबको। इससे क्या है हमारा जो भी है धनिया मसाले मिक्स हो जाएंगे। बर्तन में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने आटा लिया है थोड़ा सा, आधा चम्मच नमक डाल दिया है, इसको हम मार लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मारना है, एक साथ पानी इसमें नहीं डालना है, हमारा आटा ढीला हो सकता है। मैं मैदा ले लूँगी, 2-3 चम्मच मुझको मैदा लेना है, एक और ले लूँगी। नमक डाल लिया है मैंने थोड़ा सा, अब इसमें पानी डाल लेंगे। मुझे इसका घोल बनाना है मैदे का, चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी गुठलियाँ ना रहे हैं इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ऐसे ही करना है हमको चम्मच से घुमा घुमा कर, अच्छे से करना है, इससे हमारे मैदे की गुठलियाँ ना रहें। थोड़ा पानी हम और डाल लेंगे,
अभी और करना है इसको मिक्स। हमको इसका पेस्ट बनाकर रखना है। हमारा पेस्ट बन चुका है मैदे का, इसको हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। और हमको आटे को और अच्छे तरह से, मेरा आटा मर चुका है, हमको लोई बना लेनी है गोल गोल, हथेली से दबा देना है, आटा लगा लेना है, इसको बेल देना है। हमको जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे ही हमको बेलना है, ये मोटी पतली ना रहे, हमको चारों तरफ से इकसार बेलना है, घुमा घुमा कर बेलना है हमको। जितना बड़ा मेरा चकला है उतना ही बड़ा हमको ये बेल लेना है, ऐसे ही बेलना है घुमा घुमा कर। मेरी रोटी बन जाए। देखिए मेरा परांठा बन चुका है एकदम, मैंने गोल गोल रोटी सी बना ली है। इसमें जो भी मैंने चटनी बनाई है आलू मटर की, इसमें रख देंगे हम अच्छे से, इसके ऊपर रख देंगे। हमको ऐसे ही रख लेनी है ये, कहीं से पतली या ज़्यादा कम नहीं रहेगी, हमको बराबर में रखनी है ये। मेरी साड़ी पे आ चुकी है ये। अब हमको ये रोल बना लेनी है, ऐसे ही बनानी है धीरे धीरे करके। नहीं, मेरी रोल बहुत बढ़िया तरह से बनकर आ रही है, मेरा बिल्कुल भी चकला पे भी नहीं चिपक रही है ये, बहुत बढ़िया मेरी रोल बनकर आई है। अब हमको ये चाकू से काट लेनी है, बहुत हल्के हाथ से काट लेनी है, ये दबा दबा कर ऐसे ही काटनी है, हम सारी को काट लेंगे ये। अब हमको हाथ से ये सेट कर देनी है, ऐसे ही हमको सेट करनी है ये, बहुत बढ़िया से आ रही है हमारी, सेट हो गई। नहीं, ये भी कर लेंगे ऐसे ही, हथेली से दबा करके करनी है ये, इसको भी कर लेंगे ऐसे ही। फिर हमको ये भी ऐसे ही घुमा घुमा करके बेल लेना है, ऐसे ही बेलना है हमको ये, कहीं से मोटा पतला ना रहे, गोल 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 परांठे की तरह हमको ये बेलना है, चकला के बराबर का बेलना है ये हमको। जितना बड़ा हमारा चकला है उतनी बड़ा हमको ये परांठा बनाना है रोटी का, ऐसे ही बना लेंगे इसको घुमा घुमा करके। इसको बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, बच्चे खा करके बहुत खुश हो जाएंगे, इसको बच्चों का नाश्ता है, टिफिन में भी लगा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए इसमें भी चटनी भर लेते हैं, सबको ऐसे ही बराबर में रख देंगे, चटनी को सारे परांठे के ऊपर रख देते हैं हम, अच्छे से सेट कर देते हैं हम, ऐसे ही कर लेना है हमको सारे को। अब इसको फोल्ड कर देंगे, हमको ऐसे ही रोल बनानी है, सबकी ऐसे ही रोल बना लेनी है, दबा दबा करके हमको ये बनानी है। इससे क्या है कि हमारी ये निकले ना, फिर से हम छुरी से काट लेंगे इसको, सबको काट लेना है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, एक बार आप घर पर ज़रूर बनाएं, आपकी ये कैसी बनी हमको कमेंट में बताएं। ऐसे ही है, हमको हथेली पे दबा दबा करके ये रख लेनी है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सरल से बनकर तैयार हो जाता है।
चलिए इस पर हम मैदे की लेयर चढ़ा देते हैं जो हमने मैदे की बनाई है। इस पर हम पतली पतली लगा देंगे और अपनी कढ़ाई में छोड़ देंगे। अब हमको सबको ऐसे ही एक एक करके छोड़ना है। मैंने गैस को मीडियम रखा है। सबको छोड़ देना है एक एक करके। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। हमको सबको ऐसे ही सेक लेना है। मैंने गैस को कम कर दिया है, ये कम गैस पर सिकते हैं। सबको ऐसे ही डाल देना है मैदे की लेयर लगा लगा करके। 7 से 8 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाते हैं और ऐसे हो जाएंगे, एकदम लाल लाल हो जाएंगे ये, एकदम बढ़िया। अब हमको ये पलट देने हैं, बहुत आसानी से पलटने हैं ये। इससे क्या है, हमारा रिफाइंड उछटे ना, जलने का डर रहता है इनमें, घी उछट ना जाए तेल, इसीलिए हमको ये बहुत सावधानी से पलटने पड़ते हैं, सावधानी से पलटने हैं ये। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें। यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। एक बार आप घर पर ज़रूर बनाएं। आप एक बार बनाएंगे, बच्चे रोज़ बनवाएंगे आपसे, मम्मी यही बनाओ, मम्मी यही बनाओ करके नहीं। बच्चों को टिफिन में भी लगा सकते हैं, नाश्ते में भी बच्चों को खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। मेरा नाश्ता बन करके तैयार होने ही वाला है। मेरा देखिए कितना बढ़िया कलर बनकर आया है, एकदम लाल लाल बहुत बढ़िया सिक कर आए हैं, फूले फूले से बहुत बढ़िया। आप एक बार घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपका नाश्ता कैसा बना। मेरे ये बन चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। हमको ऐसे ही टेढ़ा करके निकालना है पानी से। इससे क्या है कि हमारा जो भी ऑयल है ये वो निकल जाए, हमारे नाश्ते में नहीं आए, इसीलिए हमको टेढ़ा करके निकालना है। ये ऐसा ही निकाल लेंगे हम, जितने भी हैं इसमें बाकी के सारे निकाल लेंगे। मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, मैं आपको प्लेट में रख कर दिखाती हूँ। क्या बात है, मेरा नाश्ता कितना बढ़िया तीखी चटनी के साथ तैयार हुआ है, कितना बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट गोल गोल तैयार हुए हैं ये बनके। चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।